नगर निगम मंडी द्वारा सुकौड़ी पुल के पास से हटाए जा रहे 9 रेहड़ी फड़ी धारकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की बेंच नंबर 1 ने इन रेहड़ी फड़ी धारकों को यहां से हटाने पर रोक लगा दी है और इस विषय पर नगर निगम मंडी को 1 महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सीटों से संबंधित रेहड़ी फड़ी यूनियन ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि सुकौड़ी पुल के पास नगर निगम द्वारा सुकौड़ी खड्ड पर पार्किंग का निर्माण किया गया है। इसके चलते नगर निगम यहां रोजी रोटी कमा रहे रेहड़ी फड़ी धारकों को किसी दूसरे स्थान पर बदलने जा रही थी। इसके लिए बीते 15 मई को निगम ने शहर में 35 नए वेल्डिंग जोन बनाने की अधिसूचना भी जारी की थी। उस जोन में सुकौड़ी पुल के स्थान पर सुकौड़ी खड्ड और तारना रोड का जिक्र किया गया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहां काम कर रहे रेहड़ी फड़ी धारकों को हटने का नोटिस भी जारी कर दिया गया था। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जो नया स्थान बताया जा रहा है वहां रेहड़िया लग पाना संभव ही नहीं, ऐसे में इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जहां से इस पर रोक लगा दी गई है। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह जिला प्रधान सीटू क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। मजबूरी में हाईकोर्ट जाना पड़ा और आज उसकी जो सुनवाई है हाईकोर्ट के बेंच नंबर 1 के अंदर उसकी सुनवाई हुई है और उस बॉडी पुल से जो 9 रेडी फड़ी वाले हैं उनको वहां से हटाने का जो फैसला है नगर निगम का उस पर रोक लग गई है। इसका हम स्वागत करते हैं और नगर निगम को चेतावनी देते हैं, विशेष तौर पर जो कमिश्नर हैं जो जानबूझ के एक अधिकारी होने के नाते भी जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसकी उल्लंघना कर रहे हैं। जो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग 8 मई को हुई थी उसमें सुकौड़ी पुल के बारे में तय हुआ था कि वहाँ एक सब कमेटी जाएगी, वहाँ विकल्प ढूंढेगी। उन्होंने उस सब कमेटी की मीटिंग सिफारिश के बिना ही नोटिफिकेशन जारी कर दी और जो मीटिंग का फैसला है उसकी भी उल्लंघना कमिश्नर ने की है। तो इसलिए इस सारे मामले के अंदर जो हाईकोर्ट में गया है उसके लिए सीधे तौर पे जो नगर निगम के कमिश्नर हैं वो जिम्मेवार हैं। उसके बाद एक जो अधिसूचना है वो अभी 15 तारीख को जो कमिश्नर हैं नगर निगम के उन्होंने जारी कर दी। उस अधिसूचना में एक वेंडिंग जोन जो पिछले 15-20 साल से था सुकौड़ी पुल और कैनरा बैंक के सामने जिसका स्थान है जहां रजिस्टर्ड वेंडर्स जो हैं जो रेडी फड़ी वाले हैं वो 9 हैं जो उस पिछले 15 साल से वहां बैठे हैं, उन वेंडर्स को हमारा एक मानना है कि उनको वहां से ज़बरदस्ती हटाने के लिए जो कमिश्नर हैं और नगर निगम के कुछ कर्मचारी जो स्थानीय विधायक हैं उनके इशारों पे वो वहाँ से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अभी 15 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें भी उसमें सुकौड़ी पुल के बजाय सुकौड़ी खड्ड लिख दिया जानबूझ के और उसको भी टारना रोड की तरफ उनको शिफ्ट करने की बात की गई, जबकि टारना रोड में आज तक कोई भी रेहड़ी नहीं लगती है। आज तक जब से मंडी शहर में रेहड़ियाँ लगती हैं और वो VIP रोड है, सर्कट हुआ हाउस वहाँ है, हमेशा मुख्यमंत्री से लेकर बड़े अधिकारी जजेज उस रोड पे चलते हैं, वहाँ कोई भी जगह इस प्रकार नहीं है।